सुबह के बज रहे हैं 5, तो जा रहा हूँ दूध लेने, क्योंकि तो वॉक पे जाता हूँ मैं इसको, अगर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है तो दूध लेने हमें जाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या, काम है भाई, कर देंगे आके। फिर किशमिश भी वही रात को किशमिश खाऊंगा, पानी पीना ज़रूरी होता है इसका, और कहते हैं स्प्राउट्स खाऊंगा थोड़े से। फिर खाने के बाद अब अपना टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मुझे करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये तो 20 एडिशन करेंगे, 20 सब्सट्रैक्शन करेंगे, 20 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 20 करेंगे डिवाइड। तो इसके बाद अपना स्क्वायर की बारी, तो 1 से 33 तक करेंगे हम स्क्वायर, और क्यूब करेंगे 1 से 25 तक। फिर इसके बाद आएगी अपनी वो कैब की बारी, वो कैब में करेंगे 1 से 50 तक, वो कैब नहीं 60 तक वो कैब, और ये हमें करना है रिवीजन। और इसके बाद करनी है हमें 1 60 से 70 हमको करनी है लर्न, तो ये रोज़ का ही अपना। और फिर कहते हैं इसके बाद करना है मैथ्स की बारी, सब्जेक्टिव CISI करना है, और 3 वीडियो करनी है आगे कंप्लीट करनी है उसको, और कहते हैं 70 क्वेश्चन लगाएंगे CISI के ही। फिर इसके बाद आएगी इंग्लिश की बारी, तो इंग्लिश में हमें करना है रीडिंग करनी है कंपलसरी 20 मिनट। और इसके बाद फिर हमें नीतू मैम की क्या कहते हैं बुक में से एडजेक्टिव कंप्लीट करना है, बुक मेरे पास है नहीं तो मैं PDF से ही करता हूँ, तो एडजेक्टिव के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हमें PDF से। और फिर एडजेक्टिव के हमें करने हैं नीतू वो अमन सर की, अमन वैसे सर है, उन्होंने फ्री कोर्स ले रखा, अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, चला रहे हूँ, तो उससे आप देख सकते हैं पूरी ग्रामर कंप्लीट कर रखी है उन्होंने, बहुत अच्छे समझाया। उसके बाद अपना स्टैटिक की आ गई, स्टैटिक हमें करना है 6th टॉपिक करना है हमें, और क्या कहते हैं मतलब 5 महीने कर रखे हैं पहले, तो आज 6th टॉपिक करना है मुझे नेक्स्ट। और फिर इसके बाद अपने वो करनी है हिस्ट्री, हिस्ट्री में मुझे आज 2.5 घंटे की मैंने पहले देख रखा है, तो 3 घंटे तक कंप्लीट करने, मतलब आधे घंटे की और देखनी है मुझे वीडियो, एंशंट एंशंट हिस्ट्री देखनी है। और फिर इसके बाद अपना आएगी रीजनिंग की बारी, तो रीजनिंग में अपने वो करना है कोडिंग डिकोडिंग, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर पहले कर लिए हैं, तो अब कोडिंग डिकोडिंग में मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं, तो 150 दिन में मैं वो कंप्लीट करना है पूरा कोर्स दोबारा। मैं एक भैया हैं, वो क्या कहते हैं वर्सेटाइल मेंटोर नाम से, उन्होंने वो सीरीज़ बनाते हैं, तो उन्हीं की सीरीज़ 150 दिन की मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद अपने टू डू लिस्ट के बाद हम चलते हैं जिम, और जिम में आज हमें लेग्स मारनी है, तो भाई हमने तो बेल्ट ले रखी है अपनी पर्सनल, क्योंकि जिम की बेल्ट वैसे भी बहुत सब लोग यूज़ करते हैं, तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता और वो बहुत ढीली हो जाती हैं। और फिर उसके बाद अपनी टॉवल, थोड़ा अपना वही हाइजीन मेंटेन, और अपना शेकर लेके, और ये हमारा है जिम ब्रो पंटर है भाई, ये मेरे साथ हमेशा रहता है। तो फिर इसके बाद अपना अपन जिम में चलते हैं, और भाई जिम में चल, अरे बैग तो लेना ही भूल गया, तो फिर बैग लिया वापस और चल लिया अपने जिम में वर्कआउट करने, लेग डे जिससे सब लोग डरते हैं, तो गेट खोला और लो भाई पहुंच गए जिम। तो अब जिम में भाई पहली बार ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ, तो थोड़ा नहीं बना पा रहा, अजीब सा लग रहा है, तो लेग्स डे है, 1.5 दो दिन 1.5 महीने के बाद मारी है, जाने का मन ही नहीं करता था सैटरडे को। फिर बस बहुत मुश्किल से कर कुरा के घर की तरफ वापस निकल गया, घर से निकलने के लिए फिर दोस्त से बात करते करते घर पहुंच गया हूँ। और फिर भाई अपने सूर्य देव को, सूर्य भगवान जो हमारे हैं उनको पानी देकर और तुलसी माता को पानी दिया, फिर इसके बाद अपने सारे पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी दिया जो खराब है, फिर उसके बाद नीचे आया अपना नाश्ता किया, किशमिश दूध और भाई ब्रेड 2 केले और स्प्राउट, भाई खाना पड़ता है पूरे दिन की एनर्जी के लिए। ये अपना ये हमारा डॉगी है, ये भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, सब कुछ खाता है ये। और फिर इसके बाद अपना भैया वो जो झोला लेके चल लिया अपना लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी पहुँच गया, तो इसमें अपनी चप्पल उतार के, अब चप्पल को भाई देखो मत भाई, हमारी ऐसी रगड़ी हुई चप्पल है पूरी, 5 साल से चला रहा हूँ इस चप्पल को, साला टूटती ही नहीं है, घिस रही है बस। तो लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ, सब बंदे सो रहे हैं तो शांति से बिल्कुल, और भाई ये रहा रजिस्टर एंट्री रजिस्टर, इसी के बिल्कुल जस्ट साइड में, भाई लोगों को देखने के तो आता है ही कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो बस बैठ गए हैं सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन,
तो भाई अपना कैलकुलेशन पेज ऐसा है, पहले पेंसिल से, फिर ब्लू पेन से, फिर ब्लैक पेन से, तो एक पेज दो तीन बार यूज हो रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही पेज पे, तो वही है अच्छे से यूज़ करना। फिर उसके बाद अपना वही स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है, तो इसी वाली डायरी में पीछे मैंने लिख रखे हैं, कौन अपना फोल्डर निकाले, उसमें से निकाले, फिर याद करे, इसी में से देख के कर लो। फिर उसके बाद अपना वो कैब, तो वो कैब भाई मैं करता हूँ इससे, इंग्लिश की है ये, SSC की पिनेकल बुक, बेस्ट लगी भाई मेरे को, बेस्ट प्रीवियस ईयर की बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कोई और होगी। तो सबकी चॉइस भाई अलग अलग होती है, तो मैं तो भाई इसके बाद अब करूँगा CISI के लेक्चर कंप्लीट करूँगा अपने, मैं करता हूँ आदित्य सर से, आप किससे करते हैं आप अपना कमेंट करके बताओ। फिर 1 बज गया, 1 बजे मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, तो घर जाता हूँ, खाना वाना खाएंगे और फिर थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट करेंगे। तो घर आ गया हूँ, अब देखो भाई घर पे कौन वेट कर रहा है, कौन कर क्या रहा है, रोज ही करता है भाई वेट, इतनी शिद्दत से कोई और वेट कर ही नहीं सकता मेरा। तो अब ये देखो खोला गेट, ये देखो इसको हाजिरी दो, इसको प्यार करो, फिर जाओ अंदर, खाना खा के आधे घंटे में लाइब्रेरी वापस, 1:30 बजे लाइब्रेरी वापस आ गया हूँ, चप्पल रखी दोबारा अपनी और फिर आ गए लाइब्रेरी में वापस। अब बैठेंगे अपने वही काम पे दोबारा, जो घर वालों ने दे रखा है अपन को काम, फिर इसके बाद अपनी रीडिंग करेंगे 20 मिनट की, तो रीडिंग कर रहा हूँ मैं, ये रीडिंग क्या, नोवेल पढ़ता हूँ पावर, और ये उसकी क्या कहते हैं रॉबर्ट ग्रीन की है, और भाई बेस्ट नॉवल है, आप भी पढ़ सकते हैं, जो जो आपको इच्छा हो वो पढ़ो, रोज़ की पढ़ो, चाहे न्यूज़ पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, क्रिकेट के बारे में पढ़ो अगर क्रिकेट पसंद है, नॉवल पसंद है नॉवल पढ़ो, रीडिंग करो भाई कुछ भी करके। फिर खाना खा के तो नींद आती है, तो भाई मैं लाइब्रेरी में ही सो रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट नैप ले लेता हूँ अपना, क्योंकि बेड पे सोऊंगा तो कब 2-2.5 घंटे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, ऊट पटांग की जगह सो 10 मिनट में पूरी की पूरी एनर्जी वापस, तो मैं यहीं पर पड़ जाता हूँ, यहीं पड़ा पड़ा सो जाता हूँ थोड़ी देर, फिर उठ के फिर उठ लिया हूँ, तो अब नींद से उठा हूँ तो थोड़ी भाई एनर्जी है अच्छी तरीके से, तो कोडिंग डिकोडिंग कर लेता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करूँगा, तो अपना वही पिनेकल की बुक, रीजनिंग की, मैं तो इससे करता हूँ, आपको जिससे करनी है आप उससे करें, किरण से करें या फिर जो भी आपको पसंद है उससे करें, मगर क्वेश्चन करें, और मैं तो भाई यही प्रेफर करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। फिर भाई अपना स्टैटिक हिस्ट्री कर लेते हैं, पहले ही काट दिया करने से पहले ही, तो स्टैटिक हिस्ट्री में आज करूँगा रिवर्स सिस्टम, तो रिवर्स सिस्टम में स्टार्ट करूँगा आज, देखते हैं रिवर्स सिस्टम में क्या क्या है। फिर रिवर्स सिस्टम कंप्लीट करने के बाद अपना भाई नीतू मैम, नीतू मैम का पढ़ता हूँ, और भाई नीतू मैम की बुक से पढ़ता हूँ, एडजेक्टिव मैंने पहले ही कर रखे हैं अमरवासी सर की नोट्स से, तो आप भी उससे करो, फ्री को दे रखा है कोर्स भाई सर ने, यूट्यूब पे ही दे रखा है, पूरी ग्रामर दे रखी है सर ने, तो आप जाके सर्च करो अमन वशिष्ठ, फ्री कोर्स दे रखा है ग्रामर, और इतने अच्छे से समझा रखा है बहुत अच्छे से, तो भाई आप जाओ देखो और कमेंट करके बताओ सर को भी, और सर को सपोर्ट भी करो, ठीक है भाई, हाँ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ यही समझ लो। फिर अपना बस हो गया शाम का टाइम, चल रहे हैं घर, 6:45 हो गए हैं, घर जाऊँगा खाना वाना खाऊंगा, मस्त मजे करूंगा, और क्या रात भी हो ली भाई, मैं सोच रहा हूँ ठंड में क्या हालत होगी इतनी रात को, भाई जैकेट वैकेट पहन के आना पड़े करेगा, ठंड तो हो ली है थोड़ी, सुबह शाम को तो ठंड हो ही ली, जिम जाते हैं ठंड लगती, जैकेट पहन के जानी पड़ती है, पैर में ही लगती ऊपर ही लगती है बस ठंड, तो अब घर जाऊंगा, फिर वही है भाई हमारा, एक शिद्दत से कोई वेट कर रहा होगा, देखो कौन कर रहा है, ये देखो खड़ा है गेट पे ही पहले ही, खोलो खोलो जल्दी खोलो, खोल के खाना खा के फिर भाई जो क्वेश्चन बचे थे मेरे वो मैथ्स के क्वेश्चन करूँगा अपने वही पेज पे, तो अपने क्वेश्चन करने के बाद भैया सोने चले गए, तो भाई देखो सोने से पहले आप रील देखते हो, ये देखते हो, पता नहीं क्या क्या इंस्टा चलाते हो, तो उससे अच्छा भाई आप अपना कोई भी एक लेक्चर देख लो या वीडियो देख लो, रिवीजन कर लो वीडियो के थ्रू, तो भाई मैं अपनी हिस्ट्री इसी टाइम पे देख लेता हूँ और सबसे बेस्ट रहता है, और भाई देखो पढ़ो तो भाई अच्छा है, घर वालों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं, नहीं पढ़ोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में आने का, अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर सकते तो भाई
पढ़ो लिखो खुश रहो।